होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, रेजोल्यूशन पास किया गया विधानसभा में, होम मिनिस्ट्री अब इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट भी मूव करेगी, ये गले की हड्डी बन गया क्या बीजेपी के? देखिए, बीजेपी ने अपने जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर जाके बात की है। हालांकि इसे ये नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, लेकिन नोटिफिकेशन में क्या जारी कर रहे हैं इसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। ये क्या कभी संभव है कि चुनी हुई सरकार उसको अधिकारियों को ट्रांसफर करने का अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा? कल को ये कहा जाए कि भारत सरकार में जितने भी आदेश होंगे वो राष्ट्रपति ही आदेश जारी करेंगे तभी वो माने जाएंगे, तो ये गलत बात है। हम प्रजातंत्र में रहते हैं, हम किसी तानाशाही हुकूमत के अंतर्गत नहीं काम कर रहे, और प्रजातंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि उनको अधिकार अधिक से अधिक मिलने चाहिए, ये व्यवस्था है। चाहे वो दिल्ली की विशेष परिस्थितियां हों, वो अधिकार उतने तो अवश्य होने चाहिए। और बाकी जो प्रस्ताव पास किया है, मैं समझता हूं कि ये नाटकबाजी, इस तरह की बात करना, तो आप पार्टी के जीन्स में ही, डीएनए में ही ये आ गया है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, और सुप्रीम कोर्ट संभवतः उनके पक्ष में निर्णय देगा, केंद्र सरकार के खिलाफ निर्णय देगा, तो उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। और इस तरह से जो चुनी हुई जो असेंबली उसको केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा कर देना, वो कोई अच्छा कदम नहीं है प्रजातंत्र के लिए। दोनों ही पार्टी जिम्मेदार है इस सारे मखौल के पीछे। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट की लगा रही है किसी तरह केजरीवाल को या जो चुनी हुई सरकार है उसको तंग करने के लिए, और केजरीवाल साहब एक नौटंकी कर रहे हैं जैसे वो सेंट्रल पार्क में चले गए। अब वही काम आप अपने सचिवालय में कर सकते थे, अगर 500 आदमी बुला के कोई बात कहनी थी। मुझे कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई दी कि सेंट्रल पार्क में जाके कैबिनेट बैठा के क्या हुआ वहां पे सिवाय ड्रामा होने के। असेंबली में जो कुछ हुआ वो भी मुझे लगता है कि ये एक ड्रामा है। भारतीय जनता पार्टी चाल चल रही है, ये अपनी चाल चल रहे हैं, तो शतरंज की गोटियां हो गई हैं। दिल्ली वालों को तो कोई भला नहीं हुआ इसमें, कोई बिजली के बिल के बारे में बात हुई हो, पानी के बारे में बात हुई हो, एजुकेशन के बारे में बात हुई हो, हेल्थ के बारे में हुई हो, आज एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं दिल्ली में। बिजली 8-8, 10-10 घंटे नहीं आ रही, तो क्या हुआ? दो दिन के असेंबली की कार्रवाई से जनता को तो कोई लाभ नहीं हुआ।